नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल राजस्थान। इस बुलेटिन में आपको प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर दिखाएंगे, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वागड़ से। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में दो बेटों के फांसी के फंदे पर झूलने के बाद मां ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बोकला फला में 3 महीने के भीतर दो भाइयों ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद मां ने भी शुक्रवार को फांसी का फंदा लगा अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बात करते हैं चुरू सुजानगढ़ से, जहां 10वीं की कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ उसके पड़ोसी युवक और दोस्त ने उसे उठा कर ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। बदहवास हालत में घर पहुंची पीड़िता ने अपने परिजनों को यह जानकारी दी, इसके बाद पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराकर मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। बात करते हैं जाड़ोल की, जहां मंदिर में चोरों ने भगवान की मूर्ति में लगा मोती चुरा लिया। यह घटना खाखड़ गांव की है, जहां पुजारी नारायणपुरी ने मामला दर्ज करवाया है। सलूमबर्ग में एक नाबालिग बच्चे द्वारा पानी पतासे के पैसे नहीं देने पर उस पर चाकू से वार कर मोबाइल लूट लिया गया। इस मामले पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। बात करते हैं जावरमंज थाने की, जहां पर पति द्वारा अपनी ही पत्नी को डायन कहकर प्रताड़ित किया गया है, जिस पर उसकी पत्नी ने अपने पति पद्मा मीणा पर मामला दर्ज करवाया है। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ जिले की, जहां बांसवाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक घर में चोरी कर ली। बागुंड के रहने वाले ओम प्रकाश ने मामला दर्ज कराया कि उसके घर पर रात के समय चोरी हुई है, जिसमें चोर सोने चांदी के जेवर और नकदी ले गए हैं। चित्तौड़गढ़ के चंदेरा थाना में एक युवक ने एक युवती से शादी रचाई। वह युवती गहने और रुपये लेकर कहीं और चली गई, जिस पर युवक के पिता ने मामला दर्ज करवाया है। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ की, जहां पर महिला को चित्तौड़गढ़ किले पर जाते समय रोककर उसके गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वहीं चित्तौड़गढ़ में कल हुई चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपियों को दस्तियाब किया है, जिसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। वहीं चित्तौड़गढ़ में कल हुई 35 किलो सोने और चांदी की चोरी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। पल पल राजस्थान का यह सेगमेंट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।